गाइज, आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है, जो कि है एक गेमिंग मोबाइल के बारे में। जो गेमिंग मोबाइल बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है, और ये जो मोबाइल है वो आता है एसुस की तरफ से, जो कि है ROG 3। हाल ही में ये मोबाइल लॉन्च हुआ है और इसके इतने सारे फीचर्स इसमें दिए हैं एसुस वालों ने कि मैं अपने आप को ये वीडियो बनाने से रोक ही नहीं पाया। अब यहाँ पर ये मोबाइल गेमर्स के लिए भी बेस्ट है, और अगर आप छोटी मोटी एडिटिंग करते हैं जैसे यूट्यूबर हैं तो भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इसमें सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो कि हाल ही में लेटेस्ट प्रोसेसर्स वगैरह हैं उन्हीं को यहां पर डाला गया है। तो यहां पर मैं पूरी तरीके से आपको इसकी स्पेसिफिकेशन और यहां पे इसकी जो प्राइस है इंडिया में, वो सब कुछ मैं यहां पर आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, साथ में ही क्लिक करना है नोटिफिकेशन बेल आइकन पर, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ में इस वीडियो को कर देना है लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी वीडियो। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि ROG 2 जो इंडिया में लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था एसुस की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था गेमर्स के बीच में इंडिया में, और उसकी काफ़ी ज़्यादा सेल हुई थी। उसी के चलते ही एसुस ने ROG 3 को यहाँ पर इंडिया में लॉन्च किया है। और इसका जो मेन मोटिव होता है, ये जो फ़ोन जिसको स्पेशली बनाया जाता है, वो होता है गेमर्स के लिए। ROG मतलब कि रिपब्लिक ऑफ गेमिंग। आपको यहाँ पर फुली एक तरीके से कह सकते हैं कि ये डेडिकेटेड होता है गेमर्स के लिए और गेमिंग के लिए। तो इस फ़ोन के अंदर अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो आपको मतलब ये मान लीजिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोबाइल होने वाला है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर क्या क्या मिलने वाला है इस फ़ोन के अंदर। तो अब यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। तो यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं इस फ़ोन का डायमेंशन। तो यहां पर आपको जो विड्थ मिलती है वो मिलती है 78 mm की, इसी के साथ में जो हाइट मिलती है वो मिलती है 171 mm की, और जो यहाँ पर डेप्थ मिलती है आपको वो मिलती है 9.85 mm की। इसी के साथ में इसका जो वेट है वो आपको यहाँ पर मिलता है 240 ग्राम, 240 ग्राम का। थोड़ा सा हैवी फोन है, क्योंकि इसमें आपको जब मैं आगे बताऊंगा कि कितनी सारे हार्डवेयर्स को और जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं, वो अगर इतनी सी बॉडी में अगर डालना पॉसिबल हो तो कैसे पॉसिबल किया होगा एसुस वालों ने। अब यहाँ पर बात करूँ इसके फ्रंट लुक की, तो यहाँ पर आपको बेजललेस स्क्रीन तो नहीं मिलने वाली है, थोड़े थोड़े बेजल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक लुक में दिया गया है, जैसा कि ROG 2 में आपने देखा होगा। तो उसके पीछे जो एयर विंड था वो यहाँ पर आपको काफ़ी अलग देखने को मिलता है, उसमें थोड़ा सा उभरा हुआ इफेक्ट 3D इफेक्ट दे रहा था, लेकिन यहाँ पर एकदम इसको सिंपल कर दिया गया है और एकदम छोटा सा मिनिमलिस्टिक आपको यहाँ पर एयर वेंट दिया गया है बैक साइड के अंदर। अब यहाँ पर ये कभी कभी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, लेकिन जब आप इसको गेमिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है कि ये एकदम सेंटर में होता है आपके दोनों हाथों में, तो आपके हाथ यहाँ पर टच नहीं होते। अब एयर वेंट यहाँ पर इसीलिए दिया जाता है कि जो प्रोसेसर है वो अगर गर्मी अंदर होती है, गर्म होता है, तो एक छोटा सा फैन टाइप होता है इसमें, जिससे कि ये एयर यहाँ से हॉट एयर जो होती है वो फ़ोन से एग्जिस्ट हो जाए और जो प्रोसेसर है उस पर ज़्यादा हीटिंग ना हो। इसी के साथ में एयर वेंट के जस्ट पास में ही आपको ROG का लोगो भी देखने को मिल जाएगा, और ये सिर्फ लोगो नहीं है, इसमें LED लाइट है RGB, आपको यहाँ पर अलग अलग कलर्स भी देखने को मिलेंगे, और ये हमेशा एक्शंस लेते हैं आपकी गेमिंग के अकॉर्डिंग या फिर आपके फ़ोन के साउंड के अकॉर्डिंग इसका कलर भी चेंज होता है। इसी के साथ में आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं, यहां पर आपको दो पोर्ट मिलते हैं चार्जिंग के लिए। एक पोर्ट मिलता है आपको नॉर्मल बॉटम साइड में, इसी के साथ में एक जो पोर्ट है वो आपको मिलता है इसी एयर वेंट के साइड में। ये इसीलिए आपको यहाँ पर मिलता है ताकि जब आप गेमिंग करें तो आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकें सेंटर से, जिससे कि आप डिस्टर्ब ना हो। अगर आप नॉर्मली फ़ोन को अगर यूज़ करते हैं, कोई नॉर्मल फ़ोन, तो आप देखते हैं कि जब आप उसको चार्ज करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है गेमिंग के अंदर, लेकिन इसमें आपको सेंटर में ये जो चार्जिंग पोर्ट है वो दिया गया है, जिससे कि आप इसको सेंटर से भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पर 3.mm का जो जैक है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ ये लगी मुझे कि इसी के बॉक्स के अंदर ही आपको यहां पर USB
टाइप सी टू आपको 3.5 mm एडेप्टर भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपको अलग से परचेज करने की नीड नहीं होती है। अब यहाँ पर आपको इस फोन के जो राइट साइड में दो एयर ट्रिगर देखने को मिल जाते हैं और इन्हीं दोनों एयर ट्रिगर को आप फुली कस्टमाइज भी कर सकते हैं और इन दो एयर ट्रिगर को यूज करके आप इनको चार एयर ट्रिगर भी बना सकते हैं। मतलब एक एयर ट्रिगर को दो बटन यूज कर सकते हैं, मतलब एक एयर ट्रिगर है उसको लेफ्ट राइट और दूसरा एयर ट्रिगर है उसको भी लेफ्ट राइट यूज कर सकते हैं और ऐसे चार बटन को आप गेमिंग के टाइम यूज कर सकते हैं, चाहे वो आप फायरिंग करें, चाहे वो आप स्कोप यूज करें, कैसे भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी के साथ में आप इसको स्वाइप लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको फुली कस्टमाइज कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ। इसी के साथ में आपको यहाँ पर 7 मैग्नेट फ्रंट फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको बहुत ही क्रिस्पी और प्योर क्वालिटी आपको देते हैं ऑडियो की और बहुत ही ज़्यादा शानदार ऑडियो आपको देखने को मिलता है इस फोन के अंदर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका मेन बॉडी पार्ट जो कि है इसका प्रोसेसर, जो कि आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 प्लस ऑक्टाकोर प्रोसेसर और SM8250 के साथ में इसकी जो कैपेसिटी है वो है 3.1 GHz। यहाँ पर आपको पहला ऐसा फोन मिल रहा है जो कि आपको यहाँ पर जो मिलता है कि 3.1 GHz प्रोसेसर के साथ में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है वो मिलता है आपको एंड्रॉयड 10 ROG UI 3.0 के साथ में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पर कैमरा सेटअप भी काफी शानदार देखने को मिलता है। यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा सेटअप है वहां पर आपको ट्रिपल कैमरा विद सिंगल LED फ्लैश मिलेगा और यहाँ पर एक छोटा सा LED फ्लैश और देखने को मिलता है, लेकिन वो एसेसरीज के साथ में यूज होता है, कैमरा के साथ में आपका सिंगल LED फ्लैश ही यूज होगा। तो फर्स्ट कैमरा मिलता है आपको जो मिलता है 64 MP का सोनी के IMX686 सेंसर के साथ में एक वाइड जो कैमरा है वो। इसी के साथ में जो आपको सेकंड जो कैमरा मिलता है यहाँ पर वो है 13 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और यहाँ पर जो आपको थर्ड कैमरा मिलता है वो मिलता है 5 MP का मैक्रो कैमरा। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है प्रो वीडियो मोड और 8K+4K वीडियो की आपको कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिल जाती है। इस तरीके से आपका जो प्राइमरी कैमरा का सेटअप है वो भी काफ़ी शानदार है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकेंडरी कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पर जो आपको सेकेंडरी कैमरा सेटअप मिलता है वो मिलता है 24 MP का F2.0 अपर्चर के साथ में एक बहुत ही प्यारा कैमरा, जिसके साथ में फ्रंट में आपको कोई भी फ्लैश नहीं मिलता है। अब जब ये फोन पूरी तरीके से गेमिंग को डेडिकेटेड किया गया है तो यहाँ पर जो बैटरी देखने को मिलती है वो भी आपको काफी बढ़िया मिलती है, जो कि है जिसकी कैपेसिटी है 6000 mAh, मतलब 6000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ में जो इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है या चार्जिंग स्पीड है वो आपको 30W की चार्जिंग कैपेसिटी के साथ में मिलती है और इसी के साथ में सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी कि इसका जो 30W का एडेप्टर है वो भी आपको इन बॉक्स देखने को मिल जाता है, आपको अलग से खरीदने की नीड नहीं होती है। जबकि आपने देखा होगा ROG 2 जो फ़ोन था उसमें 18W ही सपोर्ट किया जाता था। इसी के साथ में एक बहुत ही शानदार फीचर ये भी लगा मुझे यहाँ पर कि एक बहुत ही अलग और यूनिक फीचर दिया गया है कि यहाँ पर आप इसकी कैपेसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब 30W तक तो मैक्सिमम है ही, इसके अलावा 10W तक भी आप इसको कम कर सकते हो। अब ये क्यों किया जाता है, जब भी आप कभी अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगा के सो जाते हो तो आप कभी 5 बजे उठते हो तो आप देखते हो कि फ़ोन तो रात को 12-1 बजे ही चार्ज हो चुका होगा, लेकिन उससे क्या होता है कि आपका फ़ोन जब फुल चार्ज होता है तो फिर भी आप जब आपका फ़ोन चार्ज होता रहता है रेगुलर तो उससे आपकी बैटरी की लाइफ है जो ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप उसमें टाइमिंग सेट कर सकते हो कि मेरा फ़ोन इतनी बजे चार्ज होके मुझे मिलना चाहिए, तो अगर आपने टाइम सेट कर दिया 5 बजे तो आप यहाँ पर 5 बजे आपका फ़ोन फुल चार्ज हुआ हुआ मिलेगा। अगर उससे पहले आप देखेंगे तो वो फ़ोन पूरा चार्ज नहीं होगा, उस तरीके से ये उसके जो वोल्टेज हैं उसको मैनेज कर लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार फीचर लगा और इससे इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। अब इस फ़ोन में एक और यूनिक फीचर देखने को मिल जाता है जिसका नाम है गेम लाइब्रेरी या फिर गेमिंग लाइब्रेरी, जिसके अंदर आप अपने फ़ोन की हर एक एनालिटिक्स को चेक कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो अपने फ़ोन के पूरे हार्डवेयर को भी। यहाँ पर अगर आपका फ़ोन ज़्यादा हीटअप कर रहा है तो आप उसमें फ़ैन की स्पीड को, प्रोसेसर को,
या फिर और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं GPU वगैरह को, उनको भी कंट्रोल कर सकते हो, जिससे कि आप अपने फ़ोन को पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप इसका सिस्टम हीटिंग और इसी के साथ RGB कंट्रोल्स को भी यूज़ करके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पहला तो यहाँ पर 5G आपको यहाँ पर मिल जाता है देखने को, इसी के साथ में जो ब्लूटूथ है वो मिल जाता है 5.1 के साथ में, वाईफाई मिल जाता है, NFC मिल जाता है इसी के साथ में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। साथ में ही यहाँ पर एक और यूनिक फीचर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि है मोबाइल डेटा प्लस वाईफाई, मतलब आप यहाँ पर मोबाइल डेटा के साथ में वाईफाई को भी यूज़ कर सकते हैं, और दोनों की जो नेट स्पीड है वो आपकी गेम की जो स्ट्रीमिंग की अगर आप कहें तो बूस्टिंग कर सकता है, या फिर आप अगर कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उसका भी बूस्टिंग कर देगा, ताकि आपका गेम कहीं पर भी लेग ना करे और जो पिंग रेटिंग वगैरह हैं जो आपको अच्छे से मिले। यहाँ पर इसी के साथ में आपको जो फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है, और साथ में जो फिंगरप्रिंट है वो भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर सेंसर्स की, तो यहाँ पर आपको सेंसर्स भी हर तरीके के मिल जाते हैं, चाहे वो जायरोस्कोप हो, चाहे वो एक्सीलरेटर हो, चाहे वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो, चाहे वो ई-कंपास हो, सब कुछ आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। अब लास्ट में यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो प्राइस के लिए यहाँ पर आपको इसमें दो वेरियंट मिल जाते हैं। पहला वेरियंट है वो मिलेगा आपको 8GB 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, इसकी जो प्राइस है वो मिलेगी 4999, मतलब 50,000 के अराउंड आपको ये फोन पड़ेगा। इसी के साथ में जो इसका सेकंड वेरिएंट है वो मिलेगा आपको 12GB रैम के साथ में 256GB इंटरनल स्टोरेज का, इसकी जो प्राइस है वो मिलेगी 57999 के अंदर, मतलब 58,000 के अराउंड। फोन काफी ज्यादा शानदार है, इसीलिए मेरे को लगा कि इस फोन का रिव्यू तो करना बनता है। ये रिव्यू वीडियो बनाने का स्पेशली मकसद मेरा यही था, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेमर्स हैं और उनके लिए ये फ़ोन स्पेशली था, तो मैंने कहा कि क्यों ना उन तक ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में ही शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दे दूंगा। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, goodbye.